हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, अपोजिशन इत्तेहाद आज कराची में एहतजाजी मुजाहरा करेगा। मौलाना फजलुर रहमान मुजाहरे की क्यादत के लिए कराची में मौजूद। आफताब शेरपा, डॉक्टर अब्दुल मालिक समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा कारकुनान का लहू गरमाएंगे। सर्दियों में बदतरीन गैस बहरान का खदशा, पीपल्स पार्टी का एलएनजी माहदे की तहकीकात का मुतालबा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं मुल्क में आटा, गंदम और चीनी के बाद गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है। पीटीआई हुकूमत आवाम को वापस पत्थरों के दौर में ले जाने पर तुली हुई है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ईवीएम पर ब्रीफिंग मांग ली। 15 नवंबर को ब्रीफिंग और ईवीएम पर टाइप की मुकम्मल दस्तावेजात रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन एनए 133 लाहौर ज़िमनी इंतखाब में ईवीएम के पायलट प्रोजेक्ट पर गौर कर रहा है। खुद पसंदी में मुब्तला लीडर इनकलाब नहीं ला सकते। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी 30 साल पीछे ले गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद, बोले हुकूमत कहती थी डॉलर्स की बारिश होगी, पाकिस्तानी रुपए को कागज का टुकड़ा बनाकर रख दिया।